हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे फुल स्वेटर के लिए ये डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तीन फंदों का डिज़ाइन है फ्रेंड्स से। इस डिज़ाइन के लिए हमने तीन तीन फंदे रखने हैं और एक्स्ट्रा हमने दो फंदे रखने हैं। इस तरह से बन जाएगा फ्रेंड्स से। आप फुल स्वेटर में इस डिज़ाइन को अप्लाई कर सकती हैं। आगे इस तरह दिखेगा फ्रेंड्स से और बैक साइड इसका इस तरह से बन के आएगा। आइए सीखते हैं। डिजाइन की फर्स्ट रो शुरू करते हैं। फर्स्ट रो एक्स्ट्रा फंदा सीधा बना लेना है। तीन फंदों में डिज़ाइन बनना है तो हमने तीन फंदा उल्टा बना लेंगे और तीन फंदा सीधा बना लेंगे। एक, दो, तीन। धागा अपनी तरफ, तीन फंदा उल्टा, एक, दो, तीन। धागा आगे की तरफ, तीन फंदा सीधा, एक, दो, तीन। ऐसा फंदा है, इसको उल्टा बना लेना है। फर्स्ट रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो, इस फंदे को हमने सीधा बना लेना है बैक साइड से। तीन फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा आगे की तरफ रखेंगे, तीन फंदा सीधा, एक, दो, तीन। धागा अपनी तरफ, तीन फंदा उल्टा, एक, दो, तीन। चार रो तक हमने यही रिपीट करना है। तीन फंदा सीधा बैक साइड से, ऐसा फंदा है, इसको उल्टा बना लेंगे। सेकंड रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड रो, ऐसा फंदा सीधा बना लेना है। धागा अपनी तरफ रखेंगे, तीन फंदा उल्टा बना लेंगे, एक, दो, तीन। धागा आगे की तरफ, तीन फंदा सीधा, एक, दो, तीन। धागा अपनी तरफ रखेंगे, तीन फंदा उल्टा। धागा आगे की तरफ, तीन फंदा सीधा। इस तरह से हमने फोर्थ रो तक यही रिपीट करना है। तीन फंदा सीधा बना लेना है और तीन फंदा उल्टा बना लेना है। फोर्थ रो, जो फंदा जैसा दिखता है उसको हमने वैसे ही बना लेना है। सीधा फंदा सीधा बना लेंगे और उल्टे फंदा उल्टा बना लेंगे। इस तरह से हमने फोर्थ रो कंप्लीट कर लेनी है। फोर्थ रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फिफ्थ रो एक्स्ट्रा फंदा है, इसको तो हमने सीधे ही बना लेना है। अब इधर क्या करना है, ये उल्टे फंदे में हमने क्या करना है, वापस इन फंदों को हमने इस तरह से, जो उल्टे फंदे हैं उनको हमने इस तरह से लेना है और तीन फंदों के तीन फंदा बना लेना है। इस तरह से ये वह जाली बनानी है, फिर इसको एक बार और सीधा बना लेना है। वापस हमारे तीन फंदे के तीन फंदे हो गए हैं। अब इन फंदों को उल्टा बना लेंगे, जो सीधे फंदे हैं वो अब उल्टे बन जाएंगे। इस तरह से तीन फंदा उल्टा, धागा आगे की तरफ रखेंगे। अब उल्टे फंदे में हमने तीन फंदों के वापस तीन फंदे बना लेना है। इस तरह से एक बार ऐसे लेंगे, जाली बनाएंगे और फिर एक बार और सीधा बना लेंगे। वापस हमारे तीन फंदे के तीन फंदे बन गए हैं। धागा अपनी तरफ रखेंगे, अब ये सीधे फंदे दिख रहे हैं इनको हमने उल्टा बना लेना है। धागा आगे की तरफ, अब इस फंदे को सीधा बना लेंगे।
सिक्स रो, उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा आगे की तरफ रखेंगे। अब इसको हमने बैक साइड से सीधा बना लेना है, जो तीन फंदे हमने उल्टे बना रखे हैं बैक साइड से उनको हमने सीधा बना लेना है। धागा अपनी तरफ रखेंगे, अब इन फंदों को उल्टा बना लेना है, धागा आगे की तरफ, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ रखेंगे, इन फंदों को उल्टा बना लेंगे। जो हमने तीन फंदों के वापस तीन फंदे बना रखे थे उनको हमने बैक साइड से उल्टा बना लेना है, इस फंदे को सीधा बना लेंगे। सिक्स रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सेवंथ रो, उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा आगे की तरफ रखेंगे, अब इनको हमने सीधा बना लेना है, तीन फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा, तीन फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, धागा आगे की तरफ, ऐसा फंदा सीधा बना लेंगे। सेवंथ रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एट्थ रो, जो फंदा जैसा दिखता है उसको हमने वैसे बना लेना है। इस तरह से हमने एट्थ रो कंप्लीट कर लेनी है। एट्थ रो भी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से बन जाएगा फ्रेंड्स से। नाइन्थ रो, अब नाइन्थ रो में हमने इस फंदे को सीधा बना लेना है, और ये फंदे दिख रहे हैं सीधे, इसको हम उल्टा बना लेंगे, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, धागा आगे की तरफ रखेंगे, इधर जो उल्टा फंदा है इस पर फिर हमने तीन फंदे के वापस तीन फंदे बना लेने हैं। इस तरह से तीन फंदे के आगे की तरफ जाली बनाएंगे, एक बार और सीधा बना लेना है, धागा अपनी तरफ रखेंगे, अब ये सीधे फंदे हम उल्टा बना लेंगे। इस फंदे को सीधा बना लेंगे। इस तरह से बन गया है फ्रेंड्स से। इसके बाद चार रो बनाने के बाद फिर हमने ये रिपीट करना है, इन्हीं को बार बार रिपीट करेंगे। आप इस डिज़ाइन को फुल स्वेटर में अप्लाई कर सकते हैं, पूरा बन के ये इस तरह से दिखेगा, आप देख सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।